ओजस हेल्थ केयर के इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सोनल और आज जिस विषय पर हम बात करना चाहते हैं वह विषय है बार बार होने वाले गर्भपात या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। बार बार होने वाले गर्भपात किसी भी दंपति के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय हो सकते हैं और विशेषकर अगर उनके पास पहले कोई भी पालक नहीं है, कोई भी शिशु नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अगर गर्भपात हो रहा है तो दोनों ही पति पत्नी के लिए ये बहुत ही चिंता का कारण हो सकता है। तो आइए जानते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं और किन सावधानियों का ध्यान रखकर इस परेशानी से कुछ हद तक बचा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं रिकरेंट अर्ली प्रेगनेंसी लॉस या बार बार होने वाले गर्भपात। किसी भी दंपति के जीवन काल में बार बार होने वाले गर्भपात की परेशानी 10 से 20% तक हो सकती है और कभी कभी यह परेशानी ज्यादा भी हो सकती है, विशेषकर अगर दंपति के पास पहले कोई और बच्चा नहीं है और उसको बार बार गर्भपात हो रहा है तो इसके दोबारा होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं, करीबन 30 से 40% तक। लेकिन फिर भी इसके कई बार कारण का पता लगाकर और जल्दी इलाज कराकर इस परेशानी से कुछ हद तक बचा जा सकता है। बार बार होने वाले गर्भपात के दो मुख्य कारण होते हैं। एक कारण होते हैं जो कि फीटस से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो बच्चा शुरू हो रहा है उसके जीन्स में कोई परेशानी है उसकी वजह से हो सकते हैं, और दूसरा जो वर्ग है वो माँ के हॉर्मोन्स में कोई परेशानी हो सकती है या माँ के यूट्रस में कोई दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से बार बार गर्भपात होते हैं। तो आइए इनको अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो कारण जो कि बच्चे में किसी भी वजह से विकास होने को रोक देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा थोड़े दिन बढ़ता है, 1 या 1.5 या 2 महीने, उसके बाद बच्चे का विकास रुक जाता है और बच्चे का गर्भपात हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कारण है कि अगर बच्चे के जीन्स में कोई खराबी है, किसी भी वजह से डिफेक्टिव जीन्स हैं, हो सकता है ये खराबी उसे माँ या पिता से मिली हो, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर बच्चे के शुरुआती डेवलपमेंट में ऐसा हो सकता है जिससे कि बच्चे का जो विकास शुरू हुआ उस दौरान उसके जीन्स में कोई परेशानी आ गई और उसकी वजह से बच्चे का विकास रुक गया। तो ये एक मुख्य कारण है बार बार होने वाले गर्भपात का। और दूसरा जो विशेष कारण है वो है माँ के शरीर में कुछ ऐसी परेशानियां हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चे के विकास में दिक्कत आती है और बच्चे का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता और बच्चा अबॉर्ट हो जाता है या गर्भपात हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस विषय में माँ को किन बातों का ध्यान रखना है और किन चेकअप्स को करवाना जरूरी है जिसकी वजह से ऐसे होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। तो माँ को अपने हिस्ट्री में ये बातें ढूंढनी है कि ऐसी कोई परेशानी है उसे, और अगर है तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को बताएं और उससे संबंधित जांचें करवाकर उससे बचाव रखें। सबसे ज्यादा कॉमन पाई जाने वाली परेशानियां हैं थायराइड से संबंधित परेशानियां, डायबिटीज मेलाइटस अगर है तो वो भी एक गर्भपात की वजह हो सकती है, इसके अलावा कुछ अन्य हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से बार बार गर्भपात होने की समस्या आती है। इसके अलावा अगर माँ के पीरियड्स इरेगुलर हैं, यानी कि पीरियड्स ज्यादा समय में आ रहे हैं और ब्लड फ्लो कम आ रहा है तो ये एक इशारा हो सकता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का, जिसकी वजह से भी गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा माँ का अगर वजन ज्यादा है तो भी गर्भपात होने की संभावना नॉर्मल से ज्यादा हो, तो इस बारे में पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ और लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि माँ को यदि जोड़ों में दर्द की परेशानी रहती है, कुछ स्किन डिसऑर्डर्स ऐसे हो सकते हैं जैसे कि SLE, जिसमें कि बार बार गर्भपात होने के चांसेस रहते हैं, तो अगर ऐसी कोई लक्षण माँ को दिखाई दे रहे हैं तो जरूर उन्हें अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए और उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर उसके इलाज को पूरे तरीके से फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और परेशानियां ऐसी हो सकती हैं जो कि बार बार होने वाले गर्भपात का कारण हो सकती हैं। इसमें जो गर्भपात होते हैं वो ज्यादातर 3 या 4 महीने के आसपास होते हैं। ये गर्भपात होने का जो कारण होता है वो अगर माँ के यूट्रस या गर्भाशय में कोई परेशानी है तो ऐसे केसेस में भी बार बार गर्भपात होने की समस्या देखी जाती है, तो उसके लिए भी कुछ जांचें कर उसका पता लगाया जा सकता है और उसका इलाज किया जा सकता है। इसलिए कोई भी दंपति अगर प्रेगनेंसी चाह रहे हैं और बार बार गर्भपात की समस्या आ रही है तो उन्हें अपने हिस्ट्री में सारी चीजों को अच्छे से सोचना समझना चाहिए और अपने डॉक्टर से सारी बातें डिस्कस करनी चाहिए
और उससे संबंधित जांचें करके और उसका पूरा इलाज लेने की पूरी आवश्यकता होती है। इसलिए और एक और बात के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगी, कई बार महिलाओं के दिमाग में ये भ्रांति होती है कि अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो वो थोड़ा सा देर से डॉक्टर को दिखाने जाना चाहती हैं, जो कि एक गलत भ्रांति है। विशेषकर जहां पर बार बार गर्भपात हो रहे हैं वहां पर महिला को चाहिए कि जैसे ही उनका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है वैसे ही वे तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उनको अपनी पूरी जानकारी उनके साथ शेयर करें। अगर बार बार गर्भपात की परेशानी आ रही है तो डॉक्टर को इस बारे में जरूर बताएं और उससे संबंधित सारी जांचें कराकर समय रहते उसका उपचार करें। तो इसलिए अपनी पूरी जांचों का ध्यान रखें, अपने बारे में जागरूक रहें और विशेषकर अगर आपको कोई परेशानी है तो उसे डॉक्टर से बिल्कुल ना छुपाएं, उसको डॉक्टर के साथ शेयर करें, उसकी पूरी जांचें कराएं और उसका पूरा इलाज समय से लें। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।